हेलो एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों अभी काफ़ी देर पहले हो रही थी गांव के लास्ट हिस्से की तरफ में स्पॉटेड डियर की काफ़ी जोरदार कॉलिंग। तो पूरी उम्मीद है कि आज वहां पे टाइगर देखने को मिलेगा, क्योंकि सुबह के समय उस जगह पे टाइगर ने एक स्पॉटेड डियर को कर दिया था किल। तो चलो अभी बने रहें आप ब्लॉग में और मैं चलता हूँ उस जगह पर और देखने की कोशिश करते हैं क्या चीज़ें आज वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप बने रहें ब्लॉक में और मेरे साथ देखें अभी इस ब्लॉक को कंटिन्यू, और मिलते हैं आपको उस लोकेशन पे जहाँ पर कि अभी हो रही थी स्पॉटेड डियर की कॉलिंग। टाइगर देखने को मिलता है तो आपको दिखाते हैं और साथ ही आपको वहाँ पे जो भी चीज़ें देखने को मिलेंगी वो भी दिखा देते हैं। अभी पहुंच रहा हूं मैं अपने यहां के क्रिकेट ग्राउंड के पास में। तो सामने ये है हमारे यहां का क्रिकेट ग्राउंड। तो सामने आगे की ओर आप देख पा रहे हैं ये वो रास्ता है जहां से कि हम गांव के आखिरी हिस्से की तरफ को कनेक्ट कर लेते हैं और जहां पे हमें मोस्टली वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि अक्सर हमें वाइल्ड एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और यहाँ पर अभी टाइगर को लेकर स्पॉटेड डियर की हो रही है कॉलिंग। तो जा रहा हूँ अभी इस जगह पर और साथ में अभी यार और भी काफी सारे लोग सामने की ओर पहुंचे हुए हैं। बोल रहे जानवर यार, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हैं। तो ये लोग भी इस जगह पे हमसे पहले पहुंचे हुए हैं और जो देखने की कोशिश कर रहे हैं देखना टाइगर को। तो काफी डिस्टेंस इन लोगों ने भी मेंटेन किया है और हम भी मेंटेन करेंगे। अभी है कुछ तो अभी सारे लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इधर से कुछ देर पहले हो रही थी जानवरों की कॉलिंग जैसे कि डियर की, तो शायद इधर कुछ हो। अभी ये सारे लोग देख रहे हैं, ये लोग पेड़ में चढ़े हुए हैं और ये नीचे से देख रहे हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ी नीचे रोखड़ की तरफ और मैं कोशिश करता हूं कि रोखड़ से आपको कुछ अच्छे शॉट्स दिखा सकूं। जैसा कि टाइगर का मूवमेंट है अभी इस जगह पर, अगर टाइगर आपको मैं दिखा पाया तो वो मेरी कोशिश पूरी रहेगी आपको टाइगर दिखाने की। तो आप बने रहें ब्लॉक में, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि टाइगर देखने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा तो नहीं होता है कि वो सामने बैठा हो और कहे कि आप मुझे देख, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है और उसे वॉच करना पड़ता है ढंग से और पूरे मोमेंट को कैप्चर करना पड़ता है और ख़ुद की सेफ्टी भी हमेशा ध्यान में रखनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि टाइगर का एक फिक्स रास्ता हो और वो उसी रास्ते पे आएगा, वो किसी भी रास्ते से आ सकता है। तो इसलिए चारों तरफ नज़रें भी जमानी पड़ती हैं। तो सामने ये है मेरा गाँव, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाँव का आखिरी हिस्सा, और सामने इस रोखड़ के पास में अभी मैं जा रहा हूं और जहां से आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए सामने अभी ये सारे दिन के समय स्पॉटेड डियर सामने की ओर खड़े हैं। तो अभी ये थोड़ी देर पैरे कर रहे थे काफ़ी सारी कॉलिंग, तो आपको दिखाता हूं जूम करके। तो सामने ये देखिए अभी भाग रहे हैं स्पॉटेड डियर आगे की ओर। काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर थे जो अभी जंगल की तरफ भाग रहे हैं, बट इन्हें भी डर है क्योंकि शायद ऐसा लग रहा है जब ये कॉलिंग कर रहे थे कि इस जगह पे हो टाइगर, क्योंकि दो दिन पहले इस जगह पे टाइगर देखा था हमारे यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने। तो अभी जब इनकी आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो रही थी तो हमें लगा कि इधर शायद टाइगर हो। तो आ पहुँचा हूँ अभी मैं इस जगह पर और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको यहाँ से कुछ दिखा पाऊँ। तो अभी तो सामने की ओर हमें काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर देखने को मिले ही हैं जो कि अभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और इस जगह से उम्मीद है कि टाइगर ज़रूर निकल कर आएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पे बने रहेंगे और डिस्टेंस आप देख ही पा रहे होंगे, काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करके यहाँ पर खड़ा हूँ। तो देखते हैं दोस्तों आगे। तो सामने की ओर आपको दिखा पा रहा हूँ ये पेड़ के जस्ट नीचे, जहाँ पे कि मेरी उंगली आपको दिखा रही है,
इस पेड़ के पास मेरे को काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर हैं जो कि अभी टाइगर से डरे हुए हैं और अपनी एक जगह को फिक्स करके खड़े हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि टाइगर कब जंगल से निकल कर आए और कब उन्हें मूव करने को मिले, मतलब ख़ुद को बचाने की कोशिशों कर सकें, क्योंकि वो अभी किसी भी जगह को जाएंगे तो वो अपने झुंड से बिछड़ भी जाएंगे और उन्हें खतरा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें एहसास तो हो चुका है इस जगह पे टाइगर है, तो इसीलिए वो अभी इस दिन के समय में इस जगह पे मैदान पर निकल कर आ चुके हैं और मैं भी अपने कैमरे को फिक्स करके इसी जगह पे को वेट कर रहा हूँ कि आपको टाइगर को दिखा पाऊँ। और होता क्या है कि टाइगर को देखने के लिए काफ़ी समय लग जाता है और वो बहुत कम दिख पाता है, रियर चांस होता है दिखने का, बट आज की डेट में श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि हाँ इस जगह पर टाइगर है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉलिंग हो रही थी और जो कि इन डियर की आवाज़ मेरे घर तक जा रही थी, तो मैं अपने घर से यहाँ पर इनकी कॉलिंग की आवाज़ सुनकर ही आया हूँ और काफ़ी और सारे लोग भी हैं तो वो लोग भी आए हैं, बट अभी फिक्स यही है कि हाँ इस जगह पर टाइगर है और जो रियर चांस मैं कह रहा हूँ आपको देखने को मिलता है और बहुत कम मिलता है। तो आपको दिखा दूँ सामने ये इतना ग्राउंड है, अगर टाइगर जंगल से निकल कर आता है तो इस ग्राउंड पर हमें काफ़ी देर तक टाइगर देखने को मिल सकता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप ज़रूर ब्लॉग में बने रहें और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको वाइल्ड एनिमल से रूबरू कराऊं और साथ ही आपको आज टाइगर के दर्शन में करा दूं। तो दोस्तों मेरी उम्मीद यही है, बाकी आपको मैं थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं अपने चारों तरफ कि मेरे चारों तरफ का अभी किस तरह का माहौल है और क्या चीज़ें यहाँ पर अभी हो सकती हैं या क्या चीज़ें आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। तो एक बार आप मेरे चारों तरफ की इस दिशा को देख लीजिए और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह है अभी मेरे चारों तरफ जहाँ पर कि मैं अभी आया हूँ, तो आप देख पा रहे होंगे अभी धूप भी है और मौसम भी खुला हुआ है, तो अभी कुछ इस तरह का वेदर और माहौल इस जगह पे बना हुआ है, काफ़ी अच्छा सुहाना है। बट हाँ यहाँ पे को थोड़ी ये झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, कभी इस जगह पे को खेती हुआ करती थी बट अभी इस नाले के कटाव की वजह से ज़मीनों को नुकसान हुआ है और लोगों ने इस जगह को छोड़ दिया है, मानो जैसे ये जंगल हो गया है अभी, तो इस जगह पे को ये प्रॉब्लम्स हैं। और सामने जैसा कि अभी हमारे गांव का ये आखिरी हिस्सा है तो इस जगह पे आने में हमें इतनी कठिनाई नहीं होती, आप देख पा रहे होंगे सामने की ओर पूरा खुला हुआ है और इस खुले हुए खेतों में आने से हमें किसी तरह का कोई डर नहीं होता, क्योंकि अभी ये हमारी हैबिट भी हो चुकी है और हम यहाँ पर रहते हैं तो हमें ये चीज़ें मतलब आसान लगती हैं। हाँ चीज़ों से अलर्ट ज़रूर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम आंखें मूंद कर चले जाओ बंद आंखों से लेकर कि कुछ नहीं होगा, सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, बट ऐसा नहीं है, पहले चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, जानते हैं, फिर ही जाकर आपको इन ऐसी जगह पर आकर दिखाते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सामने पेड़ है, पेड़ के पास में है स्पॉटेड डियर। तो अभी बने रहें ब्लॉक में और देखते हैं क्या कुछ आगे देखने को मिलता है। तो देखिए अभी मैं आया था इस नाले की तरफ, तो अभी सामने की ओर ये निकल कर आया है अभी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से मोर, देख पा रहे हैं ये मोर आया है और ये आया था पानी पीने और वापस अभी फिर से फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि अभी मैं इस पानी वाली जगह पे हूँ तो जो फॉरेस्ट एनिमल्स है तो किस तरह से आप सोच पा रहे हैं कि वो किस तरह से इस जगह पे आता है पानी पीने। हम अक्सर अपनी वीडियो में बोलते हैं कि हाँ फॉरेस्ट एनिमल्स पानी पीने के लिए रिवर साइड में आता है, तो रिवर साइड में हमेशा सुबह के समय और शाम के समय वाइल्ड एनिमल्स करता है मूव। तो आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी ये पानी है तो इस जगह पर आप देख पा रहे होंगे ये काफ़ी सारे वाइल्ड एनिमल्स के पैरों के निशान हैं जो कि सामने आए हुए होंगे पानी पीने, तो ये कुछ कल रात के निशान होंगे, कुछ उससे पहले दिन के, तो इस तरह से पानी के किनारे ये पैरों के निशान वाइल्ड एनिमल्स के बने हुए हैं। तो
प्रूफ के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ कि वाइल्ड एनिमल्स इस तरह से सामने पानी पीने आता है जंगल की तरफ से। सो अभी इस जगह पे पानी है तो इस जगह पे आता है, और इससे पहले जब इस जगह पे पानी नहीं था तो सीधे वापस इस पहाड़ी की तरफ को। इसके नीचे है हमारे यहाँ पे कोसी रिवर्स जो कि पहाड़ों से आ रही है, तो उस जगह पे जाता है वाइल्ड एनिमल्स पानी पीने। और सामने का जो अभी ये वातावरण बना हुआ है आप देख पा रहे होंगे, थोड़ी अभी इस जगह पे हवाएं चल रही हैं, तो हवा चल रही है तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये जो घास के पेड़ हैं, इन पर फूल जो आया हुआ है काफ़ी सुहाना लग रहा है। तो अभी तो मैं आया था टाइगर देखने के लिए, और मैं इस जगह पर आया क्योंकि काफ़ी देर से गर्मी हो रही थी, तो मुझे लगा थोड़ी देर पैरों को पानी में डुबो लेता हूँ जिससे कि थोड़ी मुझे रिलैक्स फील होगा और थोड़ी जो मेरे अंदर ह्यूमिडिटी हो रही है, जो हीट हो रही है, वो थोड़ी रिलीव हो जाएगी। सो काफ़ी हद तक रिलीव हुई, और मुझे एहसास हुआ कि आपको ये दिखाना चाहिए कि इस जगह पे ये वाइल्ड एनिमल्स के फुटप्रिंट हैं जो कि यहाँ पर पानी पीने आते हैं, और उनके ये पैरों के निशान हैं। तो ये आपको दिखाने की कोशिश की। तो चलो अभी चलता हूँ वापस आगे गाँव की तरफ को, और देखते हैं क्या कुछ सामने देखने को मिल पाता है। फिलहाल काफ़ी देर हो गई है, वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि यहाँ पे स्पॉटेड डियर है, तो अभी ये लोग भी फुली शांत हो चुके हैं। और सामने से अभी आपको जो मैंने पिकॉक दिखाया था वो कर रहा है आवाज़, तो ये पिकॉक की कॉलिंग थी जो कि वाइल्ड एनिमल्स को कर देता है एक्टिवेट किसी भी खतरे को देखकर। तो ये आपस में जो इनका एक बाउंडिंग होता है, देखिए फिर से आवाज़ कर रहा है। तो आपको मैं बता रहा था जो वाइल्ड एनिमल्स की बाउंडिंग होती है हमेशा एक दूसरे को सचेत करते हैं, मतलब उनका जो ध्यान होता है एकदम मतलब ऐसे अटेंशन मोड में लेकर आ जाते हैं कि हाँ आपके आसपास में कुछ खतरा है। सो इस तरह से एक दूसरे को ये लोग सपोर्ट करते हैं और अलर्ट कर देते हैं। और अभी भी सामने स्पॉटेड डियर बने हुए हैं और ये अभी हिल नहीं रहे हैं इस जगह से, क्योंकि मैं इतनी देर से वहाँ से सामने पानी की जगह से भी आ चुका हूँ और सामने इधर भी गया था। सामने ये दो अमरूद के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो इन पे थोड़ी अमरूद आ रही थी जिसे कि मैं थोड़ी अभी लेकर आया, दो दाने वो मैंने खाए, वो भी खा लिए। उसके बाद भी मुझे लगा यहाँ पर थोड़ी रुक कर आऊँगा, तो क्या पता यहाँ पर कुछ चेंज हो गया होगा, जैसे कि स्पॉटेड डियर हैं ये लोग मूव कर चुके होंगे। सो अभी ये जैसे के तैसे फिर से बने हुए हैं उस जगह पर और मूव नहीं कर रहे हैं, तो शायद क्या पता इन्हें हमारी आवाज़ें जो जा रही होंगी उससे भी थोड़ी सपोर्ट मिल रहा होगा, सहारा जो कह सकते हो आप, क्या पता इन्हें हमारा सहारा महसूस हो रहा हो। तो ये अभी जा नहीं रहे हैं, तो ये भी डरे हुए हैं और डर तो हमें भी है, बट हम लोगों ने काफ़ी डिस्टेंस बनाया हुआ है, बट वो जो स्पॉटेड डियर हैं वो कहीं उनके आसपास में ही टाइगर है, तो वो उस वजह से डरे हुए हैं। बाकी हम तो इसलिए डरे हुए हैं कि टाइगर क्योंकि काफ़ी एक्टिव होता है और काफ़ी जल्दी एक हाई स्पीड कवर कर सकता है। सो जो एक इंसान उस स्पीड को नहीं कवर कर पाएगा, हाँ, तो इसीलिए मैंने डिस्टेंस बनाया हुआ है। अगर मुझे लगा कि कुछ ऐसी अदर्स एक्टिविटीज़ जैसे कि वो काफ़ी एग्रेसिव है या कुछ ऐसी चीज़ें लगी, तो मैं तो तुरंत भाग लूँगा, चला जाऊँगा घर की तरफ, गांव की तरफ। सामने ही सेमल के ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इस जगह पे काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रिकेट को अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो उधर काफ़ी लोग हैं, तो मैं तो चला जाऊँगा। बाकी इन लोगों का मुझे नहीं पता कि ये कैसे अभी खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और किस तरह से रहेंगे। तो बने हुए हैं ये भी, और मैं भी बना हुआ हूँ यहीं पर, और फिर से आपको आज एक बार मौका है कि टाइगर मैं दिखा पाऊँ, तो मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहूँगा और आपको नाराज नहीं करना चाहूँगा, तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैं आपको टाइगर दिखा दूँ। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही दोस्तों आपसे एक उम्मीद है कि आप कभी भी वीडियो को ना स्किप ना किया करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको
कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन या कुछ ऐसी चीज़ें जो रह होती हैं वीडियो में जिसे आप मिस कर जाते हो, तो मैं नहीं चाहता कि आप अगर किसी वीडियो पे बन रहे हो तो आपको स्किप करना चाहिए। अगर टाइम हो तो आप उस वीडियो को पूरा वॉच करें, अगर ना हो तो उस जगह पर छोड़ दें जहाँ तक आप देख सकते हैं। अगर फिर से टाइम मिले तो आप वहीं से वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर लीजिए या फिर से पूरा उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें जिससे कि आपको फुली इन्फॉर्मेशन और फुली जो चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप देख पाएं। हिला ले यार, जितना हिलाएगा मेरा कैमरा ऐसा नहीं करता है। तुम्हारा कैमरा नहीं हिलता है? कम हिलता है। तुम्हारे लोकल फोन है, तुम्हारे वीआईपी फोन है, उसको अच्छे से निकल के बंद कर ले। फिर शेर है सामने, देख वहाँ पे शेर बैठा है। यहाँ पे बैठा है, देख शेर सच में। ये देख है? ये देख शेर बैठा है, दिखाता हूँ। इस जगह पे को बैठा हुआ है शेर, यहाँ पे काला काला दिख रहा है ना, यहाँ पे को शेर बैठा हुआ है यार। हिरन है भाई, थोड़ी इसको मूव करने दो। शेर बैठा है सामने यार भाई, ये थोड़ी सा तो क्लियर हो जाए, ये थोड़ी हिलेगा डुलेगा तो। दूरबीन तो दिखाओ थोड़ी यार, यहाँ पे शेर है भाई। हाँ ना, वो देखो देखो जा रहा है यार, अभी आ रहा है। कहाँ पे को ये देखो मोर भी, अभी ये देखो ये आ रहे, देखो चीतल दौड़ के आया यार, ये देखो ये चीतल भी दौड़ के आया वहां से सामने से। मजाक थोड़े ना कर रहा हूँ भाई, शेर है यहाँ पे यार। ये देखो ये दौड़ के आ गए यार, ये दो अब भी दौड़ के आए हैं यार। हमारे कैमरे का तो जूम ही साला है ऐसा। मोर भी है, चितला दो। देखो ये दौड़ के आगे, इन्हें पक्का भगाया होगा, और उधर मोर भी है सामने। ये सामने ये मोर, और यहाँ पे कोई ये चीतला भी भाग कर आए हैं, और ये भी पीछे ही देख रहे हैं। मेरे को नहीं लगता यार कोसी की तरफ होगा, क्योंकि कोसी की तरफ जा रहे हो, पक्का हो गया? चलो होकर आओ तुम, मैं यहीं से वॉच करता हूँ। तू भी आ रहा मनिया? पक्का है, श्योर है कि कोसी की तरफ हो सकता है? तो अभी मैं तो चढ़ा हूँ, देखिए आप पेड़ में, इस पेड़ पे आया हुआ हूँ। तो यहाँ से मैं आपको ये अभी ब्लॉग रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ, जैसा कि अभी काफ़ी देर से इस जगह पर बना हूँ, और इस जगह पर टाइगर के होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अभी जैसा कि सुबह के समय उसने इस जंगल में सामने की ओर किया था एक स्पॉटेड डियर का किल, तो अभी टाइम भी हो चुका है वाइल्ड एनिमल्स का रिवर की तरफ आने का, क्योंकि अभी पानी पीने का टाइम होने जा रहा है उनका। और सुबह टाइगर ने इस जगह पे किल भी किया है, तो इस जगह पे लोमड़ी भी बनी हुई है उस जगह पे, तो काफ़ी सारे स्पॉटेड डियर भी हैं जो कि अभी कैमरे की रडार में, या कह लीजिए कैमरे में, इतना क्लियर नहीं हो पा रहे,
तो झाड़ी की वजह से वो नहीं दिख पा रहे, बट इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब वो खुले में आए और कब मैं आपको दिखा पाऊँ। और ये भी हो सकता है कि टाइगर अभी कोसी रिवर की तरफ हो, तो अभी कुछ लोग कोसी रिवर की तरफ भी गए हैं। अगर कुछ ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे होगी तो मैं भी कोसी रिवर की तरफ जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। तो फिलहाल अभी देख लीजिए, मैंने खुद को सेफ जोन में रखा है और बैठा हूँ इस ट्री पर, तो अभी इस ट्री से आपको ये सारी चीज़ें दिखा पा रहा हूँ। तो अभी ये मोर वहाँ से चलकर आगे आ चुका है इस जगह की तरफ, तो सामने अभी ये सिंगल मोर है जो अभी हल्के हल्के इस तरफ आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा, और सामने अभी ये बढ़ ही रहा है आगे की तरफ। तो दोस्तों आज तो टाइगर देखने को नहीं मिला, मगर मेरी कोशिश रहेगी अगली बार आपको टाइगर दिखाऊं। तो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त।